हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को एक देखिए फिर से कह सकते हैं एक छात्रा के साथ यहाँ पर हमारे झारखंड का एक ज़िला है जिसका नाम दुमका ज़िला, जहाँ हम लोग विद्यालय को यानी कि स्कूल को बेसिकली शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, जैसा कि आप सभी बच्चे भी जानते हैं अच्छी भली बात ही। लेकिन इसी स्कूल में दुमका के हमारे झारखंड दुमका ज़िले में एक घटना सामने आई है, वही घटना मैं आप सभी बच्चों के साथ साझा करने आया हूँ। तो आप सभी बच्चे इस घटना को सुनिए पहले ध्यान से, फिर आपका जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में रखिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये आरोपी आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इनको पुलिस के द्वारा बेसिकली गिरफ्तार कर लिया गया। प्रिंसिपल और जो गार्ड है उनको गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस के द्वारा, ठीक है। अब क्या है ये सूचना, आइए एक एक करके बताता हूँ पूरा। तो झारखंड के दुमका ज़िले में शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले एक स्कूल को अय्याशी का देखिए अड्डा बना दिया गया है। अय्याशी का अड्डा किसी और ने नहीं बल्कि स्कूल में पढ़ाने वाले शिक्षकों ने बनाया हुआ है। दुमका जिला अपने पठन पाठन से ज़्यादा स्कूल में हो रही अश्लीलता और दूसरे नकारात्मक कार्यों कारण यह चर्चा में है। यह पूरा मामला जो है दुमका ज़िले के एक अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय का है, जहां पढ़ने वाली नाबालिग छात्राओं के साथ अश्लीलता की हद पार कर दी गई है। आज जब ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो किस प्रकार मैं आप सभी बच्चों के साथ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ वो मैं ही जानता हूँ। आप सभी बच्चे भी पूरा पढ़िए, उसके बाद ही विचार रखिएगा क्या आपको सही लगता है। आवासीय विद्यालय के जो प्रभारी प्रिंसिपल और नाइट गार्ड के द्वारा छात्राओं के उनके जबरन कपड़े उतरवाकर छेड़छाड़ करने का मामला यहां पर सामने आया। स्कूल के प्रिंसिपल और गार्ड द्वारा हर दिन की जा रही थी गलत हरकतों से परेशान होकर जो छात्राओं ने इसकी शिकायत दुमका ज़िले के जो उपायुक्त थे आजिन लियू दोडे से यहाँ पर की है। अश्लीलता और छेड़खानी का आरोप पाया गया है। सही मामले पर गंभीरता दिखाते हुए जो दुमका के उपायुक्त ने इसकी जांच प्रशिक्षु आईएसएस प्रांजल और कार्यपालक पदाधिकारी सुप्रिया किस्कू को दिया है। जांच के क्रम में दुमका उपायुक्त द्वारा प्रशिक्षु आईएसएम प्रांजल और कार्यपालक पदाधिकारी नेतृत्व में गठित टीम ने आवासीय विद्यालय की छात्रा द्वारा प्रिंसिपल का नाम भी देखे बता दिया सैलजानंद झा और नाइट गार्ड जो सी पूजन पर लगाए गए अश्लीलता और छिड़कानी के आरोप को एकदम सही पाया। और ये जो आप तस्वीर में देख रहे हैं ये वही लोग हैं, एक प्रिंसिपल और एक जो नाइट गार्ड रहता है, ये उन्हीं का तस्वीर आप देख सकते हैं इस इमेज में आपको नज़र आ रहा होगा। और ये हर न्यूज़ में देखिए बेसिकली सर्कुलेट हो रहा है। आप सही बच्चे, ये बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ से आपको मिला होगा। दुमका में आप देख सकते हैं ये घटना घटी थी, ठीक है, उसके उस दिन 4 जुलाई का था। लेकिन मामला देखिए अभी सामने आया है जो पूरा पूरी अभी चल रहा है, जिसमें बताया गया हेडमास्टर ऑफ अ ट्राइबल रेसिडेंशियल स्कूल वाज अरेस्टेड फॉर एलिजिबली मोलिस्टिंग अ क्लास 6 स्टूडेंट इन झारखंड दुमका स्ट्रीट पुलिस सेड ऑन मंडे। आप पढ़ सकते हैं क्लास 6 की मतलब कक्षा 6 की वो छात्रा है और वहाँ के प्रिंसिपल के द्वारा ऐसा घटना किया जा रहा है। अब पूरी घटना के बारे में देखिए क्या क्या बताया गया कि मुफस्सिल थाना प्रभारी उमेश साहब ने बताया कि लड़की ने घटना की शिकायत अपने पिता से की, फिर पिता कुछ ग्रामीणों के साथ अपनी बेटी से मिलने गए, उनके द्वारा आपबीती बताने के बाद ग्रामीण जो है अपहृत हो गए और प्रधानाध्यापक पर पकड़ लिया। जैसे हमें यह सूचना मिली पुलिस की एक टीम मौके पहुंची और हेडमास्टर को हिरासत में लिया। राम ने कहा कि प्रधानाध्यापक के खिलाफ प्राथमिकी यानी फर्स्ट बेसिकली जो एफआईआर वो दर्ज की गई है और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिला कल्याण पदाधिकारी अशोक प्रसाद ने पीटीआई भाषा को बताया पॉक्सो एक्ट। अगर आप सभी बच्चों को जानना है कि पॉक्सो एक्ट क्या होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप सभी बच्चों को समझाएगा, ठीक है। प्रधानाध्यापक की गिरफ्तारी के बाद हम उनके निलंबन की अनुशंसा मुख्यालय को भेज रहे हैं, ठीक है। फिर अनुसूचित जनजाति आवासीय बालिका उच्च विद्यालय के प्रभारी प्रिंसिपल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उन पर छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। वहाँ तैनात जो गार्ड है उन पर भी छात्राओं ने गंभीर आरोप लगाए। छात्राओं ने दुमका के डीसी से शिकायत की है। डीसी से की छात्राओं की शिकायत, यहाँ डीसी का नाम दिया हुआ है, कौन कौन बेसिकली प्रिंसिपल का नाम क्या है, तो प्रोफेसर यानी प्राचार्य सैलजानंद झा, रात्रि प्रहरी में जो रात्रि गार्ड सी पूजन, शिक्षक पंकज एवं गुलशन को आरोपी बनाते हुए नगर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया और दोनों मतलब जो लोग हैं प्राचार्य और रात्रि प्रहरी ने जो नाइट गार्ड है बेसिकली उसको यहाँ पर गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये हमारे झारखंड के दुमका ज़िले के कह सकते हैं हमारे समाज को शर्मसार करने की घटना सामने फिर से आई है। जैसा कि हम लोग विश्वविद्यालय में देखते थे, जैसा कि कॉलेज यूनिवर्सिटी में देखा जाता था, अब ये मामला हमारे कह सकते समाज में विद्यालय तक भी पहुंच चुका है। तो ये घटना जो है ये आपको बताना क्यों जरूरी है, क्योंकि आप सभी बच्चे भी देखिए आपके भी छोटे भाई बहन जो भी होंगे उनको अवेयर करिएगा, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं गुड टच बैड टच क्या होता है, ये उनको भी थोड़ा सा अवेयर जरूर करिएगा, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों को क्या करना चाहिए इस मामले में, आपकी जो भी राय हो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरी जो भावनाएं थी वो मैंने आपसे बच्चों को साझा कर दी।
आशा करूँगा कि आप सभी बच्चों को ये वीडियो पसंद आया हो, तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक मत करिए, कोई दिक्कत नहीं, बस शेयर कर दीजिएगा ताकि हर लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके और लोग अपने विचार इस पर रख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।